तो हेलो दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में हम करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर फोटो एडिटिंग। अगर आपको भी ऐसी एडिटिंग करनी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देख। तो सबसे पहले हमें पिक्सआर्ट ऐप में बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। बैकग्राउंड ओपन हो जाने के बाद हम आएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आ जाने के बाद हम इस वाली पीएनजी को ऐड कर देंगे। पीएनजी ऐड हो जाने के बाद हम इसको थोड़ा बड़ा करके नीचे लाएंगे एंड इसे थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। अच्छे से एडजस्ट हो जाने के बाद हम कर देंगे डन एंड फिर से हम ऐड फोटो में आएंगे। इस बार हम इस हैप्पी न्यू ईयर वाली पीएनजी को एंड इस पीएनजी को ऐड कर देंगे। हैप्पी न्यू ईयर की पीएनजी को ऊपर लेकर यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर देंगे एंड फिर इस वाली पीएनजी को भी उसके नीचे लगाकर एडजस्ट कर देना है। ये एडजस्ट हो जाने के बाद हम कर देंगे राइट पर क्लिक एंड डन एंड फिर आएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आ जाने के बाद हम इस वाली रॉकेट की पीएनजी को ऐड कर देंगे एंड आएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में आ जाने के बाद हम ब्लर पर क्लिक कर देंगे एंड इसकी थोड़ी ब्लर कम कर देंगे एंड राइट पर क्लिक कर देंगे। इसको थोड़ा साइड में लेकर इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे एंड इसकी ओपेसिटी हमें कम कर देना है एंड इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाकर इस साइड में भी हमें एडजस्ट कर देना है। ये एडजस्ट हो जाने के बाद हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, इसके भी थोड़ी कम कर देंगे एंड फिर कर देंगे हम डन। ये हो जाने के बाद हम आएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आ जाने के बाद हम इस वाली मॉडल की पीएनजी को ऐड कर देंगे। मॉडल की पीएनजी ऐड हो जाने के बाद हम इसको नीचे लाकर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करके इसे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे एंड राइट पर क्लिक करके डन कर देंगे। ये हो जाने के बाद हम आएंगे ऐड फोटो में। इस बार ऐड फोटो में आने के बाद हम इस शैडो पीएनजी को ऐड कर देंगे। ये ऐड हो जाने के बाद हम आएंगे ब्लेंड पे। ब्लेंड पे आ जाने के बाद हम इसको कर देंगे मल्टीपल एंड इसको पैर के नीचे लाकर यहाँ पर हमें इसको नीचे लाकर इसकी थोड़ी ओपेसिटी हमें कम कर देना है एंड इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाकर इस पैर के नीचे भी एडजस्ट कर देना है। ये एडजस्ट करने के बाद हम इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर देंगे एंड इसके भी कम कर देंगे एंड फिर कर देंगे हम डन। ये हो जाने के बाद हम आएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आ जाने के बाद हम इस वाली पीएनजी को ऐड कर देंगे। पीएनजी ऐड हो जाने के बाद हम इसको थोड़ा बड़ा करके इसे यहाँ अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे एंड इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर देंगे। एंड फिर आएंगे इरेजर में। इरेजर में आ जाने के बाद इसकी हार्डनेस को बढ़ा लेंगे एंड इसकी साइज भी बढ़ा लेंगे एंड मॉडल के ऊपर जो भी पार्ट है उसे इरेज कर देंगे। एंड राइट पर क्लिक करके हम डन कर देंगे।
यहाँ पर पिक्सा टैप का काम हो चुका है, इसलिए हम आएंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में आ जाने के बाद हम थ्री डॉट पर क्लिक कर देंगे एंड इस फोटो को कर लेंगे सेव। यहाँ पे हमारी फोटो लाइट रूम में ऐड हो गई है। फोटो ऐड हो जाने के बाद हम जाएंगे लाइट्स में। लाइट्स में आ जाने के बाद इसका थोड़ा एक्सपोजर कम कर देंगे एंड इसकी कॉन्स्ट्रक्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड इसकी हाइलाइट्स भी कम कर देंगे एंड इसकी वाइट्स को थोड़ा कम कर देंगे एंड फिर ब्लैक को भी बढ़ा देंगे। एंड फिर जाएंगे हम लाइट्स में। लाइट्स में आ जाने के बाद इसकी टिंट को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड जाएंगे मिक्स में। मिक्स में आ जाने के बाद इस दूसरे वाले कलर पे क्लिक करेंगे एंड इसके लुमिनेंस को बढ़ा देंगे एंड फिर जाएंगे हम छठे वाले कलर में। छठे वाले कलर में आ जाने के बाद इसकी ह्यू को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड इसकी सैचुरेशन भी बढ़ा देंगे एंड फिर आएंगे हम सातवें वाले कलर में। सातवें वाले कलर में आ जाने के बाद इसकी व्यू को माइनस कर देंगे, इसकी सैचुरेशन को भी माइनस कर देंगे एंड इसके ल्यूमिनेंस को भी हम माइनस कर देंगे एंड हम कर देंगे डन। ये हो जाने के बाद हम आएंगे इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में आ जाने के बाद इसकी क्लियरिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड इसकी विंटेज को कम कर देंगे एंड फिर आएंगे हम डिटेल्स में। डिटेल्स में आ जाने के बाद इसकी थोड़ी शार्पनिंग को बढ़ा देंगे एंड इसकी नॉइस रिडक्शन को भी 10 तक बढ़ा देंगे एंड इसकी कलर नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा देंगे। ये हो जाने के बाद हमारी फोटो बस तैयार हो गई है। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।